तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दोनों एमएलसी। आपको बता दें कि न्यूज 24 को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह और मधुकर जेटली भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भुकल नवाब जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कितना बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी के लिए, और ये कहा जा रहा है कि नाराजगी काफी वक्त पहले से चल रही थी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं भुक्कल नवाब, उन्होंने आज जो विधान परिषद के सभापति हैं रमेश यादव, उनके आवास पर जाकर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। और उसके पीछे सबसे अहम वजह यह बताई जा रही है कि भुक्कल नवाब मुलायम सिंह यादव के खेमे के माने जाते हैं, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का खेमा हावी हो चुका है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव। लिहाजा अब जो है वो भुक्कल नवाब का इस्तीफा सभापति को सौंप दिया गया। और दूसरी अहम बड़ी खबर ये भी है कि यशवंत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वो भी अपना इस्तीफा देने के लिए रमेश यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं। तो दो एमएलसी के इस्तीफे उत्तर प्रदेश में फिलहाल दोनों एमएलसी ने अपना दे दिया है। और इसके पीछे सबसे जो खास वजह मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि दोनों एमएलसी मुलायम सिंह यादव कोटे के माने जाते हैं। अखिलेश यादव के पार्टी में अध्यक्ष बनने के बाद से ये दोनों ही जो एमएलसी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि साइडलाइन चल रहे थे। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा अभी फिलहाल कयासों के दौर से गुजर रही है। यशवंत सिंह को भी विधानसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा था कि एक पूरा खेमा समाजवादी पार्टी का बीजेपी में शामिल हो सकता है, लेकिन वो उस समय बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। और दूसरी अहम बात यह है कि दोनों जो एमएलसी हैं उनका कार्यकाल अभी बाकी है, यानी कि 2018 तक दोनों का कार्यकाल बना हुआ है। तो उसके पहले इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। आपको ध्यान होगा कि अभी जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर लखनऊ में मतदान के समय जो राजा भैया और जो जसवंत सिंह है, राजा भैया की तरफ से भी बात कही गई थी समाजवादी पार्टी के विधायक है कि नेताजी ने उनको आदेश दिया है कि वो रामनाथ कोविंद के समर्थन में मतदान करें, लिहाजा उन्होंने रामनाथ कोविंद को मत दिया है अपना। जसवंत सिंह की तरफ से भी रामनाथ कोविंद को वोट दिया गया था। भुक्कल नवाब ने किसको वोट दिया था इस बात का खुलासा उस समय नहीं हो पाया था, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों एमएलसी जिनका इस्तीफा फिलहाल अभी खबरें हैं कि भुक्कल नवाब ने दिनेश शर्मा के लिए सीट छोड़ी। देखिए, ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ कहना, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लिहाजा अगर कोई सीट खाली होती है तो बीजेपी उस पर अपनी दावेदारी कर सकती है, क्योंकि इस बार जो विधायकों की संख्या है वो बीजेपी के पास बहुत ज्यादा है। हालांकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का दबदबा है, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, तो ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि भुक्कल नवाब ने किसी के लिए सीट छोड़ी है। अगर कोई विधान परिषद का सदस्य अपने कोई सीट छोड़ता है, इस्तीफा देता है, तो उस पर सभी दलों की तरफ से दावेदारी की जाएगी। हालांकि क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लिहाजा वो सीट बीजेपी के कोटे में ही जानी है, लेकिन किसके लिए छोड़ी गई है, क्यों छोड़ी गई है, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस्तीफा देने के पीछे बड़ी वजह क्या है। अशोक, और अमित शाह के दौरे से ठीक पहले इस तरीके से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना, ये भी काफी मायने रखता है। देखिए, राजनीतिक कयास है ये भी कि अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उससे ठीक बाद दो एमएलसी के इस्तीफे हो गए, तो ये जरूर राजनीतिक घटनाक्रम में गतिविधियां हैं जिसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल यूपी में कहीं सरकार बनाने या गिराने की कोई स्थिति नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी दल की, लिहाजा एमएलसी के इस्तीफे से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो दूसरा समाजवादी पार्टी है उसके लिए जरूर झटका होगा, क्योंकि विधान परिषद में अभी भी समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, दो एमएलसी का इस्तीफा होने के बाद भी बहुमत समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहेगा विधान परिषद में, लिहाजा अभी इसका कोई बहुत बड़ा असर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के खेमे से दो एमएलसी की सीट जरूर कम हो जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर यह भी है कि मधुकर जेटली, वो भी मुलायम सिंह यादव के खेमे के माने जाते हैं, काफी करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव सरकार में उनको दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको बर्खास्त कर दिया था उस दर्जा प्राप्त मंत्री पद से, वो भी मुलायम के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके भी इस्तीफे की खबर फिलहाल आ रही है, लेकिन वो अभी तक इस्तीफा देने नहीं पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। को ही समझाना पड़ेगा, और मोदी जी की और योगी जी की बड़ी तारीफ, हमारे विकल्प खुले हैं। अब ये मैं फिर से कह रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका निर्णय है, मगर अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि उनकी कठिनाइयां क्या हो रही हैं। तो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं भुक्कल नवाब, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद भुक्कल नवाब का बड़ा बयान सामने आया है, राम मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए। भुक्कल नवाब की तरफ से ये इस्तीफा देने के बाद बयान सामने आया है, अयोध्या में नहीं तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा मंदिर।
तो आपको बता दें कि काफी वक्त से बगावत कर रहे थे पार्टी में और इस्तीफे की चर्चाएं जो है काफी वक्त पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अयोध्या में नहीं तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा मंदिर। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश अग्रवाल जी, बुक्कल नवाब ने पार्टी छोड़ दी है समाजवादी पार्टी, आप क्या वजह मानते हैं और इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं कि काफी नाराजगी देखी जा रही थी काफी वक्त से? देखिए, कुछ लोग बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं। बुक्कल नवाब जी ने तमाम सत्ता का दुरुपयोग किया था जिसकी FIR वगैरह हुई थी, तो राजनीति में उनसे बचने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो इस बारे में उन्होंने इस्तीफा दिया है। राजनीति में क्रम चलता है, कोई नई चीज नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ। जी नरेश अग्रवाल जी, लेकिन दो और MLC यशवंत सिंह और मधुकर जेटली भी इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं झटके में झटके समाजवादी पार्टी को? खबरें तमाम आती रहती है, लेकिन सत्य कितनी होंगी तो पता लगेगा देखने पे। बड़ा बुक्कल नवाब जी का पता लगा तो मैंने उसको रिएक्शन दे दिया। जी, और अयोध्या मंदिर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है बुक्कल नवाब ने, उन्होंने कहा है कि अयोध्या में ही राम मंदिर बनना चाहिए, पार्टी को छोड़ते ही उन्हें राम मंदिर की याद आ गई। चलिए, बयान तमाम नेताओं के ताना ताना बदलते हैं। अभी नीतीश जी एक दिन पहले कह रहे थे कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, दूसरे दिन भाजपा के साथ चले गए, तब बयानों पर बहुत विश्वास नहीं किया जाता। जी, आपको नहीं लग रहा कि जो स्थिति बन रही है इस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी के, उसे तो अपना कुनबा इकट्ठा करके रखना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए, लेकिन आपका कुनबा बिखर रहा है? कोई ना कोई कमी रही होगी ना नेताओं को भी? जो लोग जा रहे हैं मौका परस्त है चले जाएंगे, लेकिन समाजवादी कुनबा जो रहेगा वो रहेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल नरेश अग्रवाल जी, और बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं इन लोगों की? अपने इस्तीफा दिया तो बीजेपी के लिए दिया होगा, और कोई इस्तीफा कांग्रेस के लिए थोड़ी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका News 24 से बातचीत करने के लिए। तो इस्तीफा देने के बाद बुक्कल नवाब का राम मंदिर को लेकर भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए और राम मंदिर अयोध्या में अगर नहीं बनेगा तो क्या अफगानिस्तान में बनेगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते हैं बुक्कल नवाब, जो कि काफी वक्त से नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।